जनवरी ट्रांसफर विंडो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और गाइस डेडलाइन डे पर हमें भारतीय फुटबॉल में काफी उतार चढ़ाव दिखाई दिए। तो गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द लेटेस्ट न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडियन फुटबॉल, सो स्टिक अराउंड इन दिस वीडियो क्योंकि इट्स गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहले नाउका सिंह जो कि मणिपुर के 22 साल के एक राइट बैक प्लेयर है, उन्होंने ईस्ट बंगाल को मुंबई सिटी एफसी से एक लोन डील पर ज्वाइन किया है। मुंबई सिटी एफसी के स्टार स्टडेड लाइनअप में नाउका सिंह अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए द प्लेयर डिसाइडेड फॉर ए लोन मूव। त्राव एफसी, नेरोका एफसी, गोकुलम केरला जैसे क्लबों को इससे पहले नाउका सिंह ने रिप्रेजेंट किया था। दिस माइट बी प्रोबेबली द बिगेस्ट ट्रांसफर न्यूज ऑफ दिस मंथ ट्रांसफर विंडो क्योंकि गाइस ललियन ज्वाला चांगते को यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी ने एक लोन डील पर साइन कर लिया है। ललियन ज्वाला चांगते जो कि इससे पहले चेन्नई एफसी के स्क्वाड के एक अहम हिस्सा थे, ही विल बी जॉइनिंग मुंबई सिटी एफसी एज ए लोनी। जैसे कि अब चांगते अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चेन्नई एफसी के प्लेयर है, पर आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ओवर ललियन ज्वाला चांगते 3 ईयर के एक परमानेंट डील पर मुंबई सिटी एफसी को ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज अ बिग मूव गाइस। देयर हैज बीन अ फ्यू इंपॉर्टेंट साइनिंग डन बाय राजस्थान यूनाइटेड एफसी और गाइस आई लीग में इस बार ये क्लब तहलका मचाने वाले है। सबसे पहले राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने यहाँ पे साइन किया है अर्जेंटा डिफेंडर माउरो दो सांतोस को। 32 साल के ये डिफेंडर 4 साल लालिगा में खेल चुके हैं। यूडी अल्मेरिया, लेगानेस, एसडी एबर जैसे क्लबों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अर्जेंटीना के अंडर 20 टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं माउरो दो सांतोस। तो गाइस काबिलियत तो उनमें जरूर है। अनदर साइनिंग डन बाय राजस्थान यूनाइटेड एफसी फॉर्मर आई लीग गोल्डन बूट विनर पेड्रो मांजी। एक काफी परिचित नाम, पेड्रो मांजी ने चेन्नई सिटी एफसी के साथ आई लीग के खिताब भी जीता था। फिर उनको जापानीज क्लब अल्बिडेक्स निगाता ने साइन किया by paying Chennai FC a transfer fee which was at that time the costliest transfer fee amount received by any Indian football club. So guys, he's back to I-League and he's back to Indian football, but this time वो Rajasthan United FC को represent करेंगे। उज़्बेकिस्तान के midfielder Shardor Jakhanov भी आप Rajasthan United FC के तरफ से खेलने वाले हैं। Jakhanov ने अपने career में ज्यादातर उज़्बेकिस्तान में ही football खेले हैं। 25 साल के ये midfielder will complete AFC foreigner quota of Rajasthan United FC। ATK Mohun Bagan के खिलाड़ी Ricky Shabong भी यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन करने वाले हैं। रिकी शाबोंग की अगर आप बात करें तो वो 19 साल के एक मिडफील्डर है जिन्होंने इससे पहले इंडिया अंडर 17 और इंडियन अंडर 20 टीम के तरफ से भी फुटबॉल खेले थे। रिकी शाबोंग ने एक लोन डील पर राजस्थान यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन किया है। तो गाइस कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम्स इस साल राजस्थान यूनाइटेड एफसी के टीम में है। तो गाइस अब आई लीग में राजस्थान यूनाइटेड के ऊपर काफी निगाहें रहेंगे। स्पीकिंग ऑफ फ्यू मोर ट्रांसफर न्यूज गाइस, केंकरे एफसी ने यहाँ पे रिनिट स्पोर्टिंग क्लब से साइन कर लिया है पिन क्रोनाम नोंगलो को जो कि 24 साल के एक सेंटर बैक प्लेयर है। तो गाइस अनदर प्लेयर आइंग टू इंप्रेस इन आई लीग। केंकरे एफसी ने यहां पे एक और प्लेयर अकेराज मार्टिन को भी साइन किया है। स्पोर्टिंग गोवा के एकेडमी के सीनियर टीम में खेलने वाले अकेराज मार्टिन पहले प्लेयर बने थे और गाइस अकेराज मार्टिन जो कि एज ए स्ट्राइकर खेलते हैं एक लोन डील पर केंकरे एफसी के तरफ से फुटबॉल खेलेंगे। इसी बीच आईएसएल क्लब बेंगलुरु एफसी ने साइन कर लिया है याया बनाना को। याया बनाना कैमरून के डिफेंसिव मिडफील्डर है जो कि एज ए डिफेंडर भी खेल सकते हैं। ओलंपियाकोस जैसे टीमों को उन्होंने इससे पहले रिप्रेजेंट किया था और कैमरून के नेशनल टीम के तरफ से भी वो फुटबॉल खेल चुके हैं। तो गाइस याया बनाना लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग डील। स्पीकिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न एफसी, इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में टीम के तरफ से कोई भी डोमेस्टिक साइनिंग के न्यूज नहीं आए, लेकिन इंजरीज फिर से क्लब को मुश्किल में डाल रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक टीम के स्ट्राइकर मापुया भी इंजर्ड हो चुके हैं। दोस्तों मापुया अब कब रिकवर होते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। केरला ब्लास्टर्स के प्लेयर पुइटिया अपने फॉर्मर क्लब नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न एफसी के खिलाफ अब अपकमिंग मैच में नहीं खेल सकते। येलो कार्ड के कारण पुइटिया अपकमिंग मैच के लिए सस्पेंडेड है। दोस्तों हाल ही में मोहम्मद इरशाद को आईएसएल के फैंस गोल ऑफ द वीक का खिताब मिला, सो दैट समथिंग टू टेक ऑन ए पॉजिटिव नोट फॉर हाइलैंडर्स। एंड रिसेंटली गाइस नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न एफसी ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया। जी हाँ, आईएसएल में इस बार हाइलैंडर्स ने अपने सभी पिछले सीजन से सबसे ज्यादा गोल कंसीड किया है। तो गाइस ये एक एरिया है जहां पर खालिद जमील इंप्रूव करना चाहेंगे।